कोरोना प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल व कलेक्टर साथ में दौरे के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जिसमें खेतिया तथा पानसमल के दौरे पर पहुंचने के बाद दोनों स्थानों पर अस्पतालों का जायजा लिया। स्वास्थ्य कर्मियों की किस तरह असेंबलिंग की जा रही है, किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, इस पर विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मरीजों का उचित इलाज किया जावे और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस पर ध्यान देने के लिए कहा। पानसमल से अमृत ऋषि व खेतिया से जितेंद्र सनेर की रिपोर्ट। सेंटर का दौरा किया सर आज, क्या पाया? जो भी कमी आएगी उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग आज निराली, पानसमल और खेतिया, तो हमने जहाँ भी देखा है वो अच्छी व्यवस्था है जी। आज मैं मंत्री जी के साथ में आपके पानसमल में आए हैं। अभी से पहले निवाली गए थे, अभी हम इसके बाद खेती जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके इलाज की क्या व्यवस्था है, टीकाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है और कैसे टीकाकरण बढ़ाया जावे, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। सर, कल के बाद लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा? आज हमारी मंत्री जी के साथ में शाम को बैठक है। आज कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में पूरी परिस्थितियों पर चर्चा करके आगे जो भी उचित निर्णय होगा शाम को लिया जाएगा। राजपुर, बढ़ते कोरोना संक्रमण से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। अस्पताल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में एक व्हाट्सएप ग्रुप ने सराहनीय कार्य किया। राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ऑक्सीजन संकेंद्रक की योजना बनाई और ग्रुप चैटिंग के माध्यम से ही राशि का संग्रहण किया गया। ग्रुप में मौजूद सदस्यों ने डिजिटल मनी ट्रांसफर के माध्यम को अपनाया और तीसरे दिन इंदौर से राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर भेंट कर दी। अब ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सकेगी। व्हाट्सएप के राजपुर नगर विचार मंच के इस सराहनीय कार्य के हर कोई सराहना कर रहा है। राजपुर से विकास निहाले की रिपोर्ट। ऑक्सीजन हाँ जी, राजपुर नगर विचार मंच का एक बहुत बड़ा ग्रुप है सम्मानीय नागरिकों का, उनके द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे हमको अस्पताल में भेंट स्वरूप दिया गया है, ताकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है उसको दूर किया जाए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जुलवाने से आ रही है। एबी रोड बाईपास पर आगलगांव फाटे के समीप आगे चल रहे ट्रक में अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे से आ रही मारुति कार जा टकराई, जिसमें कार सवार 7 लोगों में से 6 गंभीर रूप से घायल हो गए तथा एक छोटी बीपति बालू निवासी टेगोर बेड़ी सेंधवा की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सेंधवा का एक परिवार इंदौर से इलाज कराकर वापस लौट रहा था, इस दौरान यह हादसा जुलवानिया पुलिस थाने के समीप आगलगांव फाटे पर हुआ। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवानिया लाया गया है।